मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी कोर्ट में है, पेंडिंग है, जो जी कोर्ट में होगा मैं वहां पे कहूंगी। सर बोलता नहीं है, उसकी हिम्मत रही थी तो बोला होता। बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से तरह तरह के एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर उनको लेकर लोग कमेंट भी कर रहे हैं। वैसे तो आलोक कई बार मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयान कर चुके हैं, वहीं अब ज्योति ने भी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसडीएम ज्योति ने कहा कि विवाद सफाई कर्मी या एसडीएम होने से नहीं है, ये पारिवारिक मामला है। आलोक ने झूठ बोलकर शादी की, अब मामला कोर्ट में है, मुझे जो कहना है वहां कहूंगी, ये कोई पहला तलाक नहीं हो रहा है। इशू सफाई कर्मी या मेरे एसडीएम होने का नहीं है, इशू हस्बैंड वाइफ का है बस। मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो जो भी था, उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला, डजंट मैटर। मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी कोर्ट में है, पेंडिंग है, जी। जो कोर्ट में होगा मैं वहां पे कहूंगी। तो बहुत सारे रीजन होते हैं भाई हस्बैंड वाइफ में, क्या पहला डाइवोर्स हो रहा है क्या ये? इस बीच आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का एक और ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की लड़ाई हो रही है, सुनिए। करो, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही और कोई था ही नहीं। बोला चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है, उसकी हिम्मत रही थी तो बोला होता, क्योंकि गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दू कहाँ थे, ये भी बता दू, मुझे पता है कहाँ कहाँ गए थे, पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ज्योति और आलोक की शादी का कार्ड भी वायरल हो रहा है, जिसमें आलोक को ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा गया है। ज्योति का आरोप है कि आलोक पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी है, जबकि शादी झूठ बोलकर किया गया है। उधर आलोक के परिजनों का कहना है कि लड़की वालों ने कार्ड में ग्राम पंचायत अधिकारी छपवाया था। लड़के वालों की तरफ से छपवाए गए शादी के कार्ड में सिर्फ आलोक कुमार लिखा था। ज्योति ने साथ ही पति आलोक और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। इस मामले में ज्योति और उनके मायके वालों का बयान दर्ज किया जा चुका है। पुलिस अब आलोक मौर्य और नामजद अन्य लोगों का बयान दर्ज करेगी। हालांकि अब मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन शादी के बाद पढ़ाई कर रही लड़कियों पर मुसीबत आ गई है। दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में तैयारी कर रही कई पत्नियों को पतियों ने वापस बुला लिया है। बिहार के बक्सर में एक पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि एसडीएम ज्योति मौर्य की घटना से डरकर पति ने उसे अब आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया है। पति ने ये कहते हुए पढ़ाने से इनकार कर दिया है कि वह अब सक्षम नहीं है। पत्नी ने बताया कि वह बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। शादी के बाद से पति पढ़ाई में मदद करते थे, लेकिन अब वह इनकार कर रहे हैं। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम है पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज चल रही है, हर लोग पीछे हटते रहे। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं, तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं है, हम भी नहीं पढ़ाएं, अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो। देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं आगे का मन मती कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू, बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे ही तैयारी करती थी आप बीपीएससी का। सोशल मीडिया में ज्योति मौर्य के इस्तीफे और सस्पेंशन की खबरें भी वायरल हुई। इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि ना तो ज्योति मौर्य ने कोई इस्तीफा दिया है और ना ही उनका सस्पेंशन हुआ है। ज्योति मौर्य अभी तक बरेली में स्थित सेमी खेड़ा सहकारी चीनी मिल में जीएम के पद पर तैनात है।
खैर इस घरेलू मामले में क्या होगा और क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कौन सही है और कौन गलत, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। इस मामले से जुड़े हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडी टाइम्स।